राजमा चावल खाना सभी को बहुत पसंद आता है, तो चलिए आज हम बनाते हैं पंजाबी स्टाइल राजमा मसाला। और इसे मैं थोड़ा सा अलग स्टाइल में बनाती हूँ, आप एक बार मेरे तरीके से बनाकर देखें, ट्रस्ट मी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो मैंने यहाँ पर लिया है 200 ग्राम राजमा, मैंने यहाँ पर चित्रा राजमा जो बोलते हैं वो लिया है। इसे मैंने रात भर भिगो कर रख लिया था और मैंने इसे 2-3 बार पानी डाल के अच्छे से धो लिया है। इसमें आप कोई भी राजमा ले सकते हैं, एक जो डार्क ब्राउन वाली राजमा आती है ये भी आप ले सकते हैं। आप इसे कम से कम 7 से 8 घंटे के लिए भिगो कर रखें, और अगर आपके पास टाइम कम है तो गर्म पानी में आप 3 से 4 घंटे के लिए भिगो सकते हैं। और यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज, 3 टमाटर, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 7-8 लहसुन और 3 हरी मिर्ची लिए है, और थोड़ा सा खड़े मसाले लिए है, 1 तेज़पत्ता, 1/2 छोटे चम्मच जीरा, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची जो मैंने तोड़ लिए है, और 2-3 लौंग। पहले प्याज को हम रफली काट के इसे एक ब्लेंडिंग जार में ले लेंगे और इसे पीस लेंगे। इसे हम एकदम स्मूथ करके नहीं पीसेंगे, थोड़ा सा दरदरा करके पीसेंगे इस तरह से, और ऐसे हम टमाटर को भी थोड़ा सा दरदरा करके पीस लेंगे, और अदरक लहसुन और मिर्ची को भी हम एक साथ पीस लेंगे। लहसुन मैं अभी आधा यूज़ कर रही हूँ, आधा मैं बाद में यूज़ करूँगी, और इसे भी हम दरदरा करके पीस लेंगे। तो अभी सारे तैयारियाँ कर ली है, और ये जो राजमा है ये अभी कच्चा है, इसे मैंने अभी तक बॉयल नहीं किया, तो चलिए अभी बनाना स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे मैं कुकर में ले रही हूँ लगभग 4 टेबलस्पून तेल, और जब तेल गर्म हो जाएगा तो हम इसमें खड़े मसाले को डाल देंगे, और इसके साथ मैं थोड़ा सा हींग डाल रही हूँ, और इसे एक बार चला लेंगे। फिर हम इसमें प्याज को डाल देंगे, और प्याज को हम 7 से 8 मिनट तक मीडियम फ्लेम में फ्राई कर लेंगे, मतलब हल्का सा इसमें ब्राउन कलर आने देंगे। और जब इसमें ब्राउन कलर आ जाएगा तो हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसे भी हम 1-2 मिनट के लिए भून लेंगे। इसमें मैं अभी 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और 1/2 छोटा चम्मच कश्मीरी चिली पाउडर डाल रही हूँ, इससे इसका कलर बहुत अच्छा आता है। इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर ले। फिर हम इसमें पीसी हुई टमाटर को डाल देंगे, और टमाटर को भी हम 7 से 8 मिनट के लिए पका देंगे, नहीं तो तब तक पकाए जब तक इसके साइड से तेल सेपरेट ना हो जाए। तो अभी देखिए तेल एकदम अलग हो गया है, तो अब हम इसमें सूखे मसाले को डालेंगे। तो अभी फ्लेम को लो रखें। इसमें हम डालेंगे 1.5 बड़े चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा कसूरी मेथी। सब कुछ एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर हम इसमें राजमा को डाल देंगे। इसमें हम नमक भी डाल देते हैं, तो मैं 1 बड़ी चम्मच नमक डाल रही हूँ। अब हम राजमा को मसाले के साथ लो टू मीडियम फ्लेम में 5 से 7 मिनट के लिए भून लेंगे। जितना अच्छे से आप इसे भूनेंगे इसका टेस्ट उतना ही अच्छा होता है। ज़्यादातर राजमा को पहले ही बॉयल करके बनाया जाता है, लेकिन मैं इस तरह से बनाती हूँ, मैं बाद में बॉयल करती हूँ। अगर आप इस तरह से एक बार बना लेंगे तो मेरी गारंटी है कि आप हर बार इसी तरह से बनाना पसंद करेंगे, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। और अगर ये ज़्यादा ड्राई लगे तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं, तो मैं इसमें थोड़ा सा जार को धो के डाल रही हूँ। तो मैंने इसे 4-5 मिनट के लिए अच्छे से भून लिया है, तो अब हम इसमें डाल देंगे पानी। तो मैं इसमें 3.5 कप पानी डाल रही हूँ। थोड़ा सा इसे चला लीजिए, और इसे कवर करके पहले हाई फ्लेम में 1 सीटी लगाएंगे। फिर फ्लेम को हम लो कर देंगे, और लो फ्लेम में हम 20 मिनट के लिए इसे कुक करेंगे। आप अपना कुकर के हिसाब से कीजिएगा, क्योंकि सबका कुकर अलग अलग टाइम लेता है, बस राजमा अच्छे से पक जाना चाहिए। और कुकर ठंडा होने के बाद ही हम इसे खोलेंगे, तो अभी पहले एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखिए राजमा जो है अच्छे से पक चुके। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला और 1 छोटा चम्मच आमचूर पाउडर। इसे अच्छे से मिक्स करें और 1 मिनट और पका लेंगे। तो मैंने गैस को दोबारा चला लिया है, और इसमें जो खड़े मसाले हमने डाले थे इसका काम हो गया, तो इसे हटा लेते हैं। और अगर आपको इसमें ग्रेवी कम लगे तो इस टाइम आप थोड़ा सा गर्म पानी डाल सकते हैं। अब हम इसमें लगाएंगे तड़का। तो एक तड़का पैन में मैं ले रही हूँ 1 टेबलस्पून घी। अभी फ्लेम को एकदम लो रखें, और इसमें हम डालेंगे बारीक कटा हुआ लहसुन, जो लहसुन हमने पहले बचाया था, और इसे हम थोड़ा सा लाइट ब्राउन करके फ्राई कर लेंगे। और इसमें मैं थोड़ा सा कश्मीरी चिली पाउडर डाल रही हूँ कलर के लिए,
वैसे तो कलर आ गया है, तभी मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ। अगर आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते, मतलब मिर्ची को। इसे हम राजमा के ऊपर डाल देंगे और इसके साथ हम डालेंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और इसे तुरंत ही हम ऊपर से कवर कर देंगे। और गैस को मैंने बंद कर दिया है और 8-10 मिनट बाद हम इसे सर्व करेंगे। तो इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर ले। तो लीजिए, तैयार है हमारा पंजाबी स्टाइल राजमा मसाला। बहुत अच्छा खुशबू आ रही है, आप इसे इस तरह से ज़रूर बनाएं। आप इसे जीरा राइस नहीं तो प्लेन चावल के साथ सर्व करें। मैं आज इसे प्लेन चावल के साथ सर्व कर रही हूँ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।